मध्य प्रदेश के इंदौर में आखिरकार एक साथ 11 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना ही लिया। बता दें कि यह रिकॉर्ड अब तक असम के पास था, जिन्होंने एक साथ 9,26,000 पेड़ लगाए थे। बता दें कि इंदौर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मुहिम के कारण लाखों की तादाद में शहर के रेवती रेंज पहाड़ी इलाके पर हजारों पेड़ लगाने के लिए पहुंचे थे। रविवार की शाम होते होते इंदौर ने असम का यह रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 12 घंटे में 11 लाख पेड़ लगाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने मौके पर ही तमाम पेड़ों का रिकॉर्ड दर्ज करने के साथ ही इंदौर द्वारा एक दिन में 11 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने के विश्व रिकॉर्ड की औपचारिक घोषणा की है। इस ऐलान के बाद कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय खुशी में डांस करते नजर आए। इस दौरान वहां पौधे लगाकर बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों के साथ शहर के अलग अलग समाज के लोगों और छात्रों ने इस घोषणा का नाच गाकर स्वागत किया। मौके पर मौजूद कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्य मित्र भार्गव ने इंदौर के विश्व रिकॉर्ड बनाने पर जमकर डांस किया और वहां मौजूद जन समुदाय के बीच गाना गाते हुए झूम कर नाचे। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर नाचते गाते हुए खुशियां मनाई। इस मौके पर विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर की जनता का जज्बा है, जिसने प्रधानमंत्री के एक पेड़ माँ के नाम अभियान को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मूर्त रूप दिया है। इसके लिए हम सभी इंदौर की जनता की आभारी हैं, जिसने पर्यावरण और अवरोहण के लिए आगे आकर पौधारोपण किया और इस अभियान को सफल बनाया है। बता दें कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान के चलते इंदौर में शहर के रेवती रेंज पहाड़ी पर 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बीते 40 दिनों में अथक मेहनत के बाद विजयवर्गीय की टीम ने विशेषज्ञों की मदद से रेवती रेंज को नौ जोन में विभाजित किया, फिर इन्हें सब जोन में बांटकर गड्ढों की टेकिंग करने के बाद शहर के अलग अलग समाज के लोगों के साथ अलग अलग वर्ग को पेड़ लगाने की जिम्मेदारी दी थी।